that may be used to identify or link a suspect to a crime. For example, empty cartridge of bullet, hair of victim, or a silent blood of victim, or a silent, etc. क्या समझ आती है आपको इससे? सर, लाइक आप कोई भी केस है, कोई क्राइम सीन है, तो उस पर लाइक कुछ ना कुछ एविडेंस या क्लू तो रह जाता है ना, तो दैट माइट बी ट्राइस ट्रेस एविडेंस. That might be. आप उसे कोई आपको क्लू मिल जाता है ना, लाइक आप उसे लिंक कर सकते हैं कि क्रिमिनल क्रिमिनल के बारे में या लाइक क्राइम के बारे में. सही होता है, बस स्मॉल कोई भी पीस या कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसी बिलोंगिंग्स होती हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो क्राइम कमिट करता है वो, जो उसको क्राइम के साथ लिंक कर सकता है, उसमें उसके बुलेट्स आ सकते हैं, कार्टिलेज होते हैं बुलेट की, हेयर्स हो सकते हैं विक्टम के, सेलेंट के और ब्लड वगैरह। बाकी कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है? एनीवन? शफक फातमा, Exchange process, for example, during sexual assault, pubic hair of the victim may be transferred to assault and tags of the epithelium of the assailant. ये चीज़ें जो आप पहले प्रैक्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, ये मेरे टेस्ट का भी यही टॉपिक था, तो इसमें जो है अब आगे जाके हम प्रैक्टिकल्स में वो जो हैं इससे रिलेटेड ब्लड, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम इनकी जस्ट क्लासिफिकेशंस करेंगे आज के टॉपिक में। तो उसमें जो है पहले आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस। उसमें बायोलॉजिकल एविडेंस कौन कौन से हैं हमारे पास? इसमें ब्लड है, सीमन, हेयर, फीकल मैटर, यूरिन या कुछ भी इस तरह का जो बायोलॉजिकल मैटर हमें मिलेगा वो हमने कलेक्ट करना है। नॉन बायोलॉजिकल में हमारे पास फाइबर्स होते हैं, व्हीकल का या उसके विक्टिम की बॉडी पे या बुलेट पे जो होते हैं, फायर बुलेट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे। बाकी जो ब्लड एग्जामिनेशन है उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसमें हम नेकेड आई एग्जामिनेशन, उसमें हम शेप देखते हैं, साइज, करेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो नेकेड आई एग्जामिनेशन है। बाकी अल्ट्रावायलेट एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक में हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल टेस्ट में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो बेंजीडिन टेस्ट है, फिनोफ्थालिन टेस्ट है, और कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ब्लड के, उसमें फिचमैन जिसको ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट, टाकोयामा टेस्ट। बाकी स्पीशीज स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उसमें प्रेसिपिटिन टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुपिंग्स ए बी और अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं वो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। समीन फातिमा, There is usually no specific size and shape, but when blood falls from a height, कोई शेप उसकी नहीं होती है, अगर less than 2 cm हाइट से फॉल करता है तो सर्कुलर शेप होगा, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी, अगर जितनी हाइट से वो गिरता है उसमें उतनी ज्यादा प्रोजेक्शंस होंगी, ठीक है। और अगर ब्लड किसी ऑब्लिक सर्विस पे गिरता है तो उसमें वो स्प्लैश शेप होगी उसकी, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का उसका होगा। और उसमें जो उसका स्मॉलर पॉइंट शेप वाला है ये उसकी डायरेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करता है कि ब्लड की डायरेक्शन फॉल करने के बाद इस तरफ की थी, ठीक है। बाकी अगर ब्लड वर्टिकल सर्फेस फ्लैट सर्फेस पे वर्टिकली जो फॉल करेगा तो उसकी जो शेप वो क्रेनेटेड मार्जिन होंगे, सॉरी इस तरह के, ठीक है। अगर वो फॉल करने के बाद ट्रेवल कर जाए तो उसके इस तरह के नेटेड मार्जिन होंगे हमारे पास। बाकी ब्लड की हाँ एज, ब्लड स्टेन की एज जो है